अरे मैं यहाँ पे वैजंती बनकर इसलिए आई हूँ ताकि कृष्णनगर की जासूस बन के रह सकूं और ये जान सके क्या निरुद्ध रॉय चौधरी तलवारबाजी के वार्षिक मुकाबले की क्या तैयारी कर रहे हैं। और तुम चाहते हो कि मैं पकड़ी जाऊं, हम हार जाए? दिखाओ, ये किसका होगा? संपूर्णा माँ का हो सकता है। अगर मैंने तुम्हारी ये बात चंद्रचूर जमाई बाबू को बता दी ना तो वो तुम्हारी जान ले लेंगे, बताओ। लेकिन तुम्हें यही लग रहा है ना कि ये बात चंद्रचूर जमाई बाबू को पता नहीं होगी? हाँ, नहीं पता है, क्योंकि मैं चंद्रचूर जमाई बाबू को हैरान करना चाहती हूँ। उन्होंने कितना कुछ किया है कृष्णनगर के लिए, मैं भी छोटा सा काम करना चाहती हूँ उनके लिए, मेरे परिवार के लिए, कृष्णनगर के लिए। और आप चाहते कि मैं पकड़ी जाऊं? बोन देता मालकिन, हमको माफ कर दो, हमको कुछ पता नहीं था, हम किसी को कुछ नहीं बताएंगे और आपकी मदद भी करेंगे। शुक्रिया। मैंने जवाब मांगा था तुमसे। उस दिन हमने वो जलसे में पहली बार आपको खुश देखा, तो हमने सोचा कि सब व्यस्त हैं तो भागने का मौका मिल जाएगा, इसलिए हम भाग रहे थे। सच्ची बोल रहे हैं, हम परेशान हो गए थे गुलामी से, इसलिए भाग रहे थे हम। हमें जाने दीजिए, घर जाना है। हाथ जोड़ते, आपके पैर पड़ते हमारे। ठीक है, माफ किया, पर तुम तुलसीपुर में ही रहोगे हमारी निगरानी में। शुक्रिया दुग्गा माँ, सब संभल गया। चल बंदिता, अब फिर से लग जा अपने मिशन पर। कोई फायदा नहीं है बरिस्तर बाबू, मैंने उन बिजली की डब्बों में से एक डब्बा गायब कर दिए। और ये क्यों किया तुमने? क्योंकि आपको अंधेरा पसंद है, मैं तो कब से रोशनी लाना चाहती है। यारे, अब अपना हाथ बाएं तरफ बढ़ाइए। क्या? वहां पे कुछ रखा हुआ है, बढ़ाइए तो। कैंडल है। अब अपना हाथ तोड़ आगे बढ़ाइए, वो डब्बे में कुछ रखा है। ये सब क्या नाटक है वैजंती? बढ़ाइए ना, नाटक से तो पर्दा उठाना है। माचिस। अब वो माचिस से मोमबत्ती को जलाइए, जलाइए ना, आज तो मैं चली जाएगी, वैसे भी आज मेरा आखिरी दिन है। अब और भी कोई नाटक बचा? वैजंती, ये मैं बिल्कुल आपकी तरह लग रही हूँ ना बरिस्तर बाबू, बिल्कुल आपकी शिष्य लग रही हूँ। लीजिए, आप अभी ये पहनिए, लीजिए लीजिए पहनिए, हम एक साथ फोटो खिंचाएंगे, मैं अप्पा से कैमरा लाई हूँ, चलिए। ये जो चित्र में दिख रहा है ना, यही मेरा सपना है, अपने साथ बैरिस्टर रूप में देखने का सपना। और ये मेरा रहेगा कि बैरिस्टर बाबू बनने का सपना मेरे लिए देखा था पति बाबू ने, मैं बनूंगी बैरिस्टर बाबू। मैं जानती हूँ कि बोंदिता की यादें परेशान कर रही आपको, पर यही यादें आज आपको अपने दिल की बात कहने पे मजबूर करेगी बैरिस्टर बाबू। कोई फोटो नहीं खिंचवाएंगे। क्यों नहीं खिंचवाएंगे?
जरूर खिंचवाएंगे, वो भी एक साथ खिंचवाएंगे। रुकिए ना, हटो यहाँ से। नहीं हटेगी, गुस्सा आ जाएगा मुझे। आने दीजिए, मैं कुछ कर बैठूंगा। चलेगी। देखो वैजयंती, तुम दिखाइए, ये सही नहीं है। तो गलत क्या है? तुम कुछ नहीं जानती, तो बताइए ना। समझ नहीं पाओगी तुम, एक बार आजमा के तो देखिए। हद पार कर रही हो तुम वैजयंती। आप भी अपनी खिंची हुई लकीरें पार कर दीजिए। किराए वाले कपड़े के लिए आपने अपने हाथ जला दी? इतनी भी बड़ी कीमत नहीं है इसकी कि आपने खुद को इतना बड़ा दर्द दे दिया। नहीं ऐसा तो नहीं, ये कोट आपके लिए जान से भी बढ़कर है, बहुत खास है। बोलिए। ऐसे कपड़े तो बाजार में बहुत मिल जाएंगे, इसके लिए अपना हाथ जलाना बहुत बड़ी बेवकूफी है। आपको चाहिए ना तो मैं आपके लिए करी दिलाएगी। कैसा कपड़ा है, ना कोई रंग है ना कोई ढंग है, एकदम बेकार है ये। सिर्फ काला कपड़ा नहीं है ये, महान है हमारा। और क्या कहा था तुमने, मामूली बेकार? अजंती तुम इस कपड़े की कीमत नहीं समझ पाओगी कभी, इसका मोल तो मैं। तो बोलिए ना, मैं नहीं जानती तो आप मुझे बताइए, बोलिए। अब मैं जो करने जा रही उसके लिए मुझे माफ करना दुर्गा माँ, पर सखा बाबू की मन में छुपी बातों को बाहर लाने के लिए ये करना जरूरी है। मुझे तो बहुत गुस्सा आ रही है, नफरत हो रही है, आंख में चुभ रही है मेरी ये। इसके वजह से आपके हाथ में चोट लग गई, आपके लिए इसकी कीमत बहुत बड़ी होगी, पर मेरे लिए इसकी कीमत दो कौड़ी की भी नहीं है। इसे सही जगह तो कचरे के डब्बे में ही है, इसे वहीं फेंक देती हूँ। रुको, इसे पहनकर तो तुम बैरिस्टर बाबू बन जाओगी बोंदता। बैरिस्टर बोंदता रॉय चौधरी का ख ग घ अं। जैसे गुम हो गई है मुझसे, क्यों न जाने तेरी चिंता हो रही है मुझे, हर घड़ी अब क्यों है ध्यान तेरा, रिश्ता तेरा मेरा, रिश्ता तेरा मेरा, रिश्ता तुम्हारी ट्रेन 7 बजे है ना, तब तक तुम यहीं रहोगी। पर मैं यहाँ पे अकेले क्या करेगी? बोलिए ना, मैं यहाँ पे अकेली कैसे रहेगी? पर इस तरह बाबू बोलिए। 24 घंटे दिए थे,
छीन लिए उन्होंने। अब मैं सखा बाबू के मन में छुपी भावनाएं बाहर कैसे लाऊंगी, कैसे समझ पाऊंगी कि क्या है उनके मन में बौंदिता के लिए। ये क्या कर रहे हो अनिरुद्ध, खोलो उसे। सजा है और कोई उसे खोलने की कोशिश नहीं करेगा। जब तक मैं ना कहूं वैजयंती इसी कमरे में बंद रहेगी संपूर्ण आमा। लेकिन ये मेरा आदेश है। तूफानी रात और मन की बात कभी छुपती नहीं है। क्या है तेरे मन में, कुछ कहना चाहती है तो बोल। मैं तेरी ठाकुर माँ हूं, बता। ठाकुर माँ, ये तो सच है कि मैं माँ नहीं बन सकती, बांझ हूं ना मैं, पर मैं भी चाहती हूँ कि मेरे पति को पिता का सुख मिले, उनका नाम आगे बढ़े, और इसलिए मैं भी चाहती हूँ कि उनकी दूसरी शादी हो जाए। देख, आसान नहीं होता किसी और को पति पत्नी के रिश्ते के बीच जगह देना। अब कल जो लड़की आएगी वो अपना थोड़ा हिस्सा मांगेगी, और फिर क्या पता बाद में थोड़े की जगह ज्यादा मांगने लग जाए। तब ठाकुर माँ, मैंने ऐसी लड़की ढूंढ ली है जो कि हमेशा मेरा साथ देगी और हमारे रिश्ते के बीच में भी नहीं आएगी कभी। ऐसी लड़की कौन है? अपना पत्नी होने का धर्म निभा और मेरी मनचाही पत्नी बोंदिता को घर में ला, वरना मैं तुझे छोड़ दूंगा। बोंदिता, आप तो जानती है ना कि बोंदिता मेरा कितना ख्याल रखती है। मैं उससे लड़ू झगड़ू कुछ भी करूं, वो हमेशा मेरा साथ देगी ठाकुर माँ, और कभी मेरी सौतन भी नहीं बनेगी बल्कि मुझे माँ बनने का सुख देगी ठाकुर माँ, आपके जमाई बाबू की पत्नी से ज्यादा मेरी बहन बनकर रहेगी वो ठाकुर माँ। एक ही दिन था मेरे पास और सखा बाबू ने मुझे यहाँ पे बंद कर दिया। अब कैसे लाऊंगी उनके दिल की बात जुबान पर। ए बिहारी, बिहारी, वैजयंती कहाँ है? वैजयंती कहाँ? अरे वैजयंती कहाँ है बेटा? हमने सोचा आज आखिरी दिन है ना उसका, तो उसके लिए कुछ तोहफे ले आए थे। कहाँ है वैजयंती? अरे बताना कहाँ है। तूने कुछ किया है? डांटा उसे, गुस्सा किया तूने? अरे घर वापस भेज दिया क्या? भंडार कक्ष में बंद करके रखा है इसने। क्या? सुबह से बैजंती उधर ही बंद है
और हम सबको मना किया है कि कोई उसे बाहर ना निकाले। ये सच है अनिरुद्ध? हाँ काका सच है। आप जानते नहीं उसने क्या किया? अरे चाहे जो कुछ भी किया हो, पर ये क्या तरीका होता है? तू पागल हो गया अनिरुद्ध? ये जवान लड़की को कोई ऐसी ऐसी कड़ी सजा देता है क्या? शायद भूल गया है, वो हमारे दोस्त की बेटी है, मेहमान है हमारी, व्यापारिक संबंध है हमारे उनसे, और तू तो ऐसे बर्ताव कर रहा है जैसे कोई गुलाम होती है। जा अभी जा, बाहर निकाल उसे, जा जल्दी जा। बिहारी उसे लेकर आओ। नहीं, बिहारी नहीं जाएगा, नहीं जाएगा बिहारी। हम जानते हैं वो यही कहेगी कि जिसने मुझे बंद किया है वही मुझे यहां से बाहर निकालेगा, तभी मैं बाहर आऊंगी। जा जा, दरवाजा खोल, निकाल उसे। बेवकूफ। बाहर आओ वैजंती, बाहर आओ। सुनाई नहीं दे रहा क्या तुम्हें वैजंती? क्या नया नाटक है? अरे वहां छिपी क्यों हो, बाहर आओ ना वैजंती, बाहर आओ। आवाज नहीं आ रही क्या वहां? समझेंगे आपको क्या पता कितना चढ़ाएंगे मुझे, सब कितना हंसेगी, मजाक बनाएंगी मेरा। मुझे बहुत बुरा लगा जी, बहुत बुरा। इस पे सुसु किया है? साफ साफ बताओ किसने किया ये? वंदिता मोदी। हर रात हाथ जोड़कर दुखा माँ से मांगती हूँ कि ना करूँ बिस्तर गीला, पर हो जाता है शक्ति। अब कमरे में बिल्कुल बदबू नहीं है, जादुई फुसफुस मिल गया है मुझे। अब इसकी जादू से किसी को नहीं पता चलेगा कि बिस्तर गीला किया था मैंने रात में। तुम्हारा आज से मीठा और नमकीन खाना बंद। मीठा खाने से इंसान को ज्यादा प्यास लगती है, इंसान को ज्यादा प्यास लगती तो वो ज्यादा पानी पीता है, और तुम ज्यादा पानी पियोगी तो बिस्तर। ये मुसीबत बढ़ानी है या कम करनी है बंदिता? Ha 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 ha
ये हंसी तो हमारे अनिरुद्ध की है। हमारा अनिरुद्ध हंस रहा है। हाँ जेठ, ये अनिरुद्ध की हंसी है, बिल्कुल 8 साल पुराने वाली हंसी। इसका मतलब वैजयंती की वजह से लौट आई है अनिरुद्ध के चेहरे पे हंसी। उसने फिर से मुस्कुराना सिखा दिया है बिरिस्तर बाबू को। अब हमारा अनिरुद्ध फिर से मुस्कुराएगा बिल्कुल पहले की तरह। तू ठीक कह रही थी संपूर्णा, ये वैजयंती ना, ये अलग है। इसने नामुमकिन को मुमकिन बना दिया। हमने निर्णय ले लिया है, रॉय चौधरी खानदान के बड़े बेटे की बहू वैजयंती बनेगी। हम कल खुद जाएंगे उसके घर पर उसका रिश्ता मांगने। माफ करना वैजयंती, वो मैं हंसकर तुम्हारा दिल नहीं दुखाना चाहता था। मैं समझ सकता हूँ, कमरे में बंद कर दिया था। I'm sorry। मैं किसी को भेज देता हूँ, कपड़े बदल कर आ जाओ तुम, बाहर इंतजार कर रहा हूँ मैं। चार साल बाद सखा बाबू मेरी वजह से हंसे, मौलिता की वजह से हंसे। रिश्ता